छह कैमरा वाला स्मार्टफोन चार बैक में और दो फ्रंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना वीवो V17 Pro। इसमें आपको छह कैमरे देखने को मिलेंगे और इस कमाल की बात यह डुअल सेल्फी देखने को मिलेगा जो कि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 29,990 रुपये रखी गई है। आपको सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वीवो V17 Pro के बारे में। वैसे दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि वीवो वालों ने अपनी मार्केट में कुछ अलग ही छवि बनाई हुई है, क्योंकि वीवो ही कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो पहली बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर के आई थी, फिर बाद में उन्होंने फुल व्यू डिस्प्ले लेकर के आए थे और तीसरी बार वो डुअल सेल्फी कैमरा लेकर के आ रहे हैं। और ये कैमरा अभी किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आ रहा है, वीवो वालों ने ऐसा कर दिखाया है। आपको बताएंगे इस वीडियो में वीवो V17 Pro के बारे में सारी जानकारी, क्या ये फोन आपके लिए अच्छा है या बेकार है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में, तो नो डाउट इस बार वीवो वालों ने काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दी है, क्योंकि वीवो V15 Pro आया था उसमें आपको बैक में प्लास्टिक देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार आपको बैक में ग्लास देखने को मिल रहा है और ये ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है। जैसा कि आप बैक में देख पा रहे होंगे चार कैमरे दिए गए, एक LED फ्लैश भी दिया गया है। तो नो डाउट इस बार उन्होंने अपग्रेड किया है वीवो 15 प्रो का। अगर आपका फोन पीछे से गिर भी जाता है तो आपका फोन टूटने नहीं वाला है, लेकिन यहाँ पे कमी की गई है इन्होंने डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग ग्लास 6 की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है, ये बेकार बात है। लेकिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो 6.44 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं ये डिस्प्ले आपको नॉच लेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं इस डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले के साथ आपका एक्सपीरियंस तो ज़्यादा कमाल का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है तो ये थोड़ा सा बेकार है। अगर आपका फोन सीधा गिरता है तो फोन के टूटने के चांसेस जरूर रहते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं कि आपका ऐसा कोई फोन है जो आपके हाथ से गिर गया है नीचे और वो टूट गया है। और यही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको एक ही वेरियंट में देखने को मिलेगा 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो आपको बता दूँ इसमें आपको 4100mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। और मैं आपको बता दूँ 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, बॉक्स के साथ ही आपको 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको याद दिला दूँ वीवो Z1X आया उसमें आपको 20W का चार्जर देखने को मिल रहा है, जबकि उसकी प्राइस 15-16 हज़ार रुपये है। और प्राइस याद रखना इसकी प्राइस 29,990 रुपये, मतलब ओवरऑल 30,000 रुपये का है, फिर भी उन्होंने 18W का फास्ट चार्जर दिया है, थोड़ी सी कंजूसी की है। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सबसे ज़्यादा हाईलाइट फीचर्स की। मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपको बता दूँ इसमें आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिल रहा है, फ्रंट में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है। तो बैक कैमरे की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 48MP का रियर सेंसर देखने को मिल रहा है और ये सोनी का IMX582 सेंसर दिया गया है। 582 दिया गया, 586 नहीं दिया गया, जबकि लेटेस्ट यहाँ पे 586 है, उससे काफ़ी ज़्यादा कमाल के फोटो आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और कैमरा बताऊँ जो 8MP का दिया गया, वाइड एंगल को सपोर्ट करेगा। और एक और कैमरा आपको 2MP का दिया गया, वो डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। और एक और लास्ट कैमरा आपको 13MP का देखने को मिल जाता है, टेलीफोटो लेंस के लिए दिया गया है, जिसका आप ऑप्टिकल 2x जूम कर पाएंगे। तो फोटो कमाल की आने वाली है आपकी बैक कैमरे के साथ। लेकिन यहाँ पे 48MP का जो कैमरा दिया गया वो सोनी IMX582 वाला दिया गया है, 586 नहीं दिया गया है। वैसे आपको पता है रियलमी का XDR है, उसमें आपको सोनी का IMX586 वाला सेंसर दिया गया है और उसकी प्राइस मात्र 15-16 हज़ार रुपये और इसकी प्राइस 30,000 रुपये। प्राइस को जरूर से याद रखना अपने माइंड में। साथ ही साथ मैं बात करूँ यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल रही है, प्लस LED फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाएगी फ्रंट में। मैं आपको बता दूँ 32MP का इसका सेल्फी दिया गया, प्लस 8MP का एक और सेल्फी दिया गया, मतलब जिससे आप अपने वाइड एंगल के फोटो को क्लिक कर पाएंगे, मतलब फ्रंट से भी आप बहुत सारे ग्रुप को फोटो को कैप्चर कर पाएंगे वाइड एंगल के साथ। तो ओवरऑल सेल्फी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो सेल्फी इसमें तो काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। और दोस्तों फाइनली बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 675 चिपसेट देखने को मिलता है। जी फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग एक्सेप्ट जो कर रहे थे इस प्राइस के हिसाब से वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 855 वाला चिपसेट एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन 675 दिया गया है जो कि 12 या 13 हज़ार रुपये की प्राइस में भी आ रहा है। तो मतलब आपका प्रोसेसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिया गया है, मतलब आप हैवी चीज़ें आप इसमें नहीं कर पाएंगे।
अगर आपके लिए प्रोसेसर ज़्यादा मायने नहीं रखता है तो आप इस स्मार्टफोन की साइड जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए परफॉर्मेंस भी मायने रखती है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करना चाहूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को लें, वो भी 30,000 रुपये का। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियन वीवो वी 17 प्रो को लेकर के। वैसे कैसा लगता है आपको ये वीवो वी 17 प्रो, क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप मेरी राय के साथ सहमत हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।